हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम IES का प्रीवियस ईयर का सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। उससे पहले हम जो है इसमें कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे है वॉल फुटिंग कैरिंग अ लोड ऑफ लोड दिया हुआ है, और उसके बाद डेप्थ ऑफ फुटिंग दिया हुआ है, और यूनिट वेट दिया हुआ है, स्ट्रेंथ जो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, डिटरमाइन करना है विड ऑफ फुटिंग। उसके बाद फिर सेकेंड क्वेश्चन जो मैं डिस्कशन करूंगा इसमें यह है सैंपल ऑफ सैंड दिया हुआ है अबव वाटर टेबल वाज फाउंड टू हैव नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट जो है दिया हुआ है, यूनिट वेट दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस और रिलेटिव डेंसिटी जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ सैंड अबव वाटर टेबल वॉज फाउंड टू हैव अ नेचुरल मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑफ 15%। नेचुरल मॉइस्चर कॉन्टेंट W दिया हुआ है 15% एंड यूनिट वेट दिया हुआ है 18.84 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू, गामा टी दिया हुआ है। उसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ ड्राइड सैंपल इंडिकेट्स वैल्यू ऑफ 0.5 एंड 0.85 फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो। मिनिमम एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो दिया हुआ है, ई मिनिमम जो है 0.5 है और ई मैक्स जो है मैक्सिमम वॉइड रेशियो 0.85 है, रेशियो रिस्पेक्टली फॉर डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट स्टेट। तो फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड रिलेटिव डेंसिटी, एज्यूम जी इक्वल टू 2.65। तो ये सारे डाटा जो है गिवन है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट करेंगे। डिग्री ऑफ सेचुरेशन हम निकालने के लिए एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी रिलेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू जो है नेचुरल मॉइस्चर कॉन्टेंट दिया हुआ है, जी भी दिया हुआ है, तो ई वॉइड रेशियो निकालना है। यहाँ पे वॉइड रेशियो जो दिया हुआ है, वॉइड रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम दिया है, लेकिन नेचुरल स्टेट का सॉइल का जो है वॉइड रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम ई फाइंड आउट करेंगे। तो गामा टी जो है यूनिट वेट जो होता है बल्क यूनिट वेट, गामा टी इक्वल टू होता है जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू बाय 1+ E। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी प्लस एस ई की जगह पे डब्ल्यू जी, क्योंकि एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, तो जी प्लस डब्ल्यू जी इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1+ E। उसके बाद हम जी कॉमन ले लेंगे, तो जी इंटू 1+ W गामा डब्ल्यू बाय 1+ E। यहाँ से हम जो है सारा डाटा दिया हुआ है, E हम फाइंड आउट कर लेंगे वॉइड रेशियो। उसके बाद फिर सेकेंड जो है क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डी आर इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मीन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकालने के लिए हमें जो है ई फाइंड आउट करना पड़ेगा वॉइड रेशियो नेचुरल सॉइल का। तो गामा टी का जो है गामा टी से हम फाइंड आउट कर लेंगे, गामा टी इक्वल टू होता है जी इंटू 1+ W इंटू गामा डब्ल्यू बाय 1+ E। यहाँ पे गामा टी दिया है 18.84, जी 2.65 है, उसके बाद 1+ जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है 0.15 है, 15% है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू 9.81 होता है बाय 1+ E। ई यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 0.5868 आ रहा है, 0.5868 आ रहा है। अब जो है हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन फाइंड आउट कर लेंगे एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी रिलेशन से, तो एस इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू जी बाय ई, तो डब्ल्यू का वैल्यू जो है 0.15 है, जी 2.65 है, और यहाँ पे ई जो है हम फाइंड आउट किए हैं 0.5868। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है एस डिग्री ऑफ सेचुरेशन आ रहा है 0.6774। इसको परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1667.74 वैल्यू इसका आंसर आ रहा है। उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई, ई जो है यहाँ पे वॉइड रेशियो है नेचुरल सॉइल का, उसके बाद बाय ई मैक्स माइनस ई मीन। ई मैक्स दिया हुआ है मैक्सिमम वॉइड रेशियो 0.85, ई जो है वॉइड रेशियो हम फाइंड आउट किए हैं 0.5868 बाय ई मैक्स 0.85 है दिया हुआ है, ई मीन भी 0.5 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7519 आ रहा है, इसको परसेंट में निकालेंगे तो 75.19 जो है रिलेटिव डेंसिटी परसेंटेज में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वॉल फुटिंग कैरिंग अ लोड ऑफ 152 किलो न्यूटन पर मीटर,
वाल जो है हम पर मीटर में डिजाइन करते हैं, क्योंकि लेंथ जो है वाल का काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम एक मीटर के लिए हम डिजाइन करते हैं। लेंथ ऑफ वाल इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट अ डेप्थ ऑफ 1.2 मीटर। डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है दिया हुआ है 1.2 मीटर। सब सॉइल कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म डिपोजिट स्टिफ क्ले विथ यूनिट वेट गामा दिया हुआ है 18.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू एंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यू यू इक्वल टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ UCS से हम जो है कोहेजन निकाल सकते हैं। कोहेजन होता है C इक्वल टू क्यू यू बाई टू, तो कोहेजन का वैल्यू जो है आ गया 150 बाई टू 75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो है सॉइल जो है क्लेई सॉइल है। उसके बाद है डिटरमाइन द विड ऑफ फुटिंग यूजिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। तो विड जो है फुटिंग का हमको फाइंड आउट करना है, और ये स्ट्रिप फुटिंग है क्योंकि एल लेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होता है स्ट्रिप फुटिंग में, तो ये स्ट्रिप फुटिंग है। द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी गिवन बाय टर्जेगी फॉर स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग का जो है अल्टीमेट बियरिंग क्या होता है, CNC प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा। यहाँ पे जो है अगर हम ये हो गया अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अगर हम नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू एन यू इक्वल टू होता है CNC प्लस क्यू एन क्यू माइनस वन। एन क्यू में अगर हम माइनस वन कर देंगे तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगा प्लस हाफ बी गामा एन गामा। और यहाँ पे क्लेई सॉइल है क्योंकि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो ये एक क्लेई सॉइल है, कोहेजिव सॉइल है। कोहेजिव सॉइल में क्या होता है, फाई इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है जीरो डिग्री होता है, जीरो होता है वैल्यू। एनसी का वैल्यू जो है 5.7 होता है, एनक्यू का वैल्यू 1 होता है, एन गामा का वैल्यू 0 होता है। तो हम क्यू एन यू नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एन गामा का ये टर्म पूरा जीरो हो गया, एन क्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी टर्म पूरा जीरो हो गया, तो बच क्या गया सीएनसी, और एनसी का वैल्यू क्लेई सॉइल के लिए 5.7 लेते हैं। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है क्लेई सॉइल का, कोहेजिव सॉइल का 5.7 सी आ गया। ये फॉर्मूला का हम यूज जो है इस क्वेश्चन में हम करेंगे। और अगर यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग रहता तो स्क्वायर फुटिंग का जो है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है, क्यू एन यू इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.4 बी गामा एन गामा। अगर सर्कुलर फुटिंग रहता तो क्यू एन यू इक्वल टू 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.3 बी गामा एन गामा होता है। सर्कुलर में जो है 0.3 यहाँ पे हम फैक्टर लेते हैं और स्क्वायर फुटिंग में 0.4 लेते हैं, और सारा जो है टर्म सेम है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन डाटा क्या क्या है, लोड जो है कैरी हो रहा है फुटिंग पे क्यू इक्वल टू 152 किलो न्यूटन पर मीटर। डेप्थ ऑफ फुटिंग डीएफ दिया हुआ है 1.2 मीटर, और यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है गामा 18.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यू दिया हुआ है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले क्यू यू इक्वल टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लेना है 3 लेना है। तो कोहेजन ऑफ सॉइल जो है हम सी फाइंड आउट कर लेंगे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो इसका यू सी एस का आधा होता है क्यू यू बाई टू, तो 150 बाई टू जो है कोहेजन ऑफ सॉइल आ गया 75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्लेई सॉइल के लिए क्या होता है, अभी हम आपको बताएं इससे पहले 5.7 सी होता है। अगर हम नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल आ जाएगा। तो क्यू एन एस नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, क्यू एन एस इक्वल टू क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है क्वेश्चन में बोल रहा है 3 लेना है, तो 5.7 सी क्यू एन यू है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेना है, तो 5.7 सी बाय 3 आ गया। और लोड जो है दिया हुआ है, लोड कैरी हो रहा है 152 पर मीटर जो है लेंथ पे, तो 152 बाय बी इंटू 1, क्योंकि 1 मीटर लेंथ में पर मीटर बोल रहा है इसलिए बी इंटू 1 हो गया। इसको हम इक्वल कर देंगे 5.7 सी बाय 3 से, और सी का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया है 75 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी जो है विड ऑफ जो है यहाँ पे आ जाएगा
1.067 मीटर, तो हम अडॉप्ट कर लेंगे 1.06 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस आपको फार्मूला याद रखना है और स्टेप जो है क्या क्या करना है वो आपको याद रखना है।